खुदावन के बाबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया एंड्रयूज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ख्वातीन बाइबल, जिसमें हम आपको मिलवाते हैं उन ख्वातीन से जो अपने काम से और अपने प्रोफेशन से मसीह यीशु की जिंदगी का प्रचार कर रही हैं। तो आज की हमारी जो गेस्ट हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए उनको वेलकम करते हैं। मिस आसिया अजीज, वेलकम टू आवर स्टूडियो। थैंक यू सो मच। मैं भी खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ मेरी तरफ से आप सबको, पूरी टीम को, और होशना के जो ऑनर है उनको मेरी तरफ से सलाम। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये दोबारा मौका मिला कि मैं यहाँ पर आकर खुदा के नाम को जलाल दूँ, और मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ। और मेरी तरफ से आप सबको मुबारक हो आज का दिन, आज का वक्त जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी में बख्शा है। थैंक यू सिस्टर आसिया। सिस्टर आसिया का ताल्लुक लाहौर से है और वो आजकल वुमेन मिनिस्ट्री में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो अजीज़ों, आइए बाकायदा तौर पर अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, और इसके लिए मैं दावत दूंगी कि सिस्टर आसिया आप दुआ में हमारी रहनुमाई करें। हालेलुया, हालेलुया, जिंदा खुदावंद खुदा, मैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करती हूँ। तू लश्करों का खुदा है, फौजों का रब है, और बादशाहों का बादशाह है। हमारा रहबर है, हमारे छुपने की जगह, हमारा ऊंचा बुर्ज है। खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करती हूँ आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए शुक्रगुजारी करती हूँ जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया है। पाखरू जी, हम पीछे होते हैं, तुझे आगे करते हैं। आपकी आवाज़ हम सब तक पहुँचे और सुनने वालों तक पहुँचे। आज जो कलाम हो हम सब के लिए बरकत का बायस हो, सौ गुना फल लाए, और खुदावन सुनने वाले ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। और खुदावन खुदा, मैं सारी होशना की टीम के लिए भी खुदावन तेरा शुक्र करती हूँ। होशना के ऑनर के लिए भी तेरी शुक्रगुजार हूँ। खुदावन खुदा, मैं तेरे नाम को ऊंचा करती हूँ, तेरे नाम की बड़ाई करती हूँ, अपने आप को पीछे करती हूँ, तुझे आगे करती हूँ। पाखरू जी, तू बोल, तेरी आवाज़ दिलों तक पहुँचे और हमारी रहनुमाई कर, यीशु के नाम में आमीन। आमीन। तो मेरे अजीज़ों, आइए आज के इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं, और आज जिस उनवान को हम आपके सामने पेश करने वाले हैं वो उनवान है एक ऐसी औरत के बारे में जो अपने आंसुओं से खुदावंद यीशु मसीह के पांव धोती है, जो अपने बालों से उसे पोंछती है। किसी भी औरत के लिए बाल उसके हुस्न का एक बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं। वो अपने बालों को, खूबसूरत बालों पर बहुत ज़्यादा गरूर महसूस करती है, बहुत फ़ख्र महसूस करती है कि खुदा ने उसे ये नेमत अता की है। लेकिन आज जिस औरत के बारे में हम सीखेंगे, वो औरत उन बालों को खुदावंद यीशु मसीह के पांव साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करती है। खुशबूदार अतर खुदावंद यीशु मसीह के पांव में लगाती है और अपने बालों से, अपने आंसुओं से खुदावंद यीशु मसीह के पांव को धोती है और अपने बालों से उन्हें खुश करती है। आइए इस औरत के बारे में आज सीखते हैं, और इसके लिए सबसे पहले हम कलाम मुकद्दस में से आज की पाक तलावत को सुनेंगे। तो मेरे साथ आप अपनी कलाम मुकद्दस खोलिए, हम देखेंगे मुकद्दस लूका की किताब में से 7 बाब में से, मुकद्दस लूका उसके 7 बाब की 36 से 41 आयात। फिर किसी फरीसी ने उससे दरख्वास्त की कि मेरे साथ खाना खा। बस वो उसी फरीसी के घर जाकर खाना खाने बैठा, तो देखो एक बदचलन औरत जो उस शहर की थी, ये जानकर कि वो उस फरीसी के घर में खाना खाने बैठा है, संगे मरमर के अतरदान में अतर लाई और उसके पांव के पास रोती हुई पीछे खड़ी होकर उसके पांव आंसुओं से भिगोने लगी और अपने सर के बालों से उनको पहुंचा और उनके पांव बहुत चूमे और उन पर अतर डाला। उसकी दावत करने वाला फरीसी ये देखकर अपने जी में कहने लगा कि अगर ये शख्स नबी होता तो जानता कि इसे जो छूती है वो कौन और कैसी औरत है, क्योंकि बदचलन है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ शमाउन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। उसने कहा, ऐ उस्ताद, कह। खुदावन ने कहा, किसी साहूकार के 2 कर्जदार थे, एक 500 दिनार का, दूसरा 50 का। जब उनके पास अदा करने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को बख्श दिया। बस उनमें से कौन उससे ज़्यादा मोहब्बत रखेगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइज़ बरकत हो। मेरे अजीज़ों, आज इस तलावत से हमने सीखा और हमने अभी पढ़ा, खुदावन ने हमसे शेयर किया, हमें बताया कि
कि कौन सा शख्स जिसे खुदावन ने माफ़ किया, उन दोनों में से कौन सा शख्स ज़्यादा खुदावन से प्यार रखेगा। हम ये जानते हैं कि जिसको ज़्यादा माफ़ किया गया वो शायद ज़्यादा मोहब्बत रखेगा। तो आइए इस औरत की आजिज़ी और इनकसारी के बारे में आज हम सीखते हैं। तो सिस्टर आसिया, हमें बताएं इस औरत के बारे में। मैं इस औरत के बारे में कहूँगी कि एक तो फरीसी है जो अपने आप को बहुत नेक समझते हैं, और जब बाज़ार से गुज़रते हैं तो कोई उनको छू ना ले, वो बड़ी पकीज़गी में रहते हैं, बड़े शरीयत के ताबे रहते हैं। तो उसने क्या किया है, यीशु मसीह को अपने घर बुलाया। यीशु मसीह को हो सकता है उसने बाहर कहीं देखा हो, उसने यीशु मसीह को अपने घर बुलाया है। तो उसकी क्या की है, दावत की है, खाने के लिए बैठे हुए। अब ये जो औरत है ये बाहर से क्या हुआ है, उनके घर में आ गई है, उसी शहर की थी, वहीं की रहने वाली थी। तो क्या हुआ है कि उस घर में आ गई, दावत जब हो रही थी, खाना खाने के लिए बैठे हुए थे, शागिर्द भी साथ थे, और जो फरीसी है उसने और लोगों को भी बुलाया होगा, और सब खाना खाने के लिए बैठे हुए थे। तो देखते हैं कि इधर इस औरत ने, जो एक बदचलन औरत थी, क्या किया है, जो उस शहर की थी, ये जानकर कि वो इस उस फरीसी के घर में खाना खाने बैठा है, संगे मरमर का उसने क्या लिया है, अतर लिया है, अतरदान लेकर वो उस घर में पहुंच गई है। वो यीशु मसीह को इतनी इज्जत दे रही, यीशु मसीह को जान रही है, वो यीशु मसीह की गहराई तक जा रही है, और उसको पाक जानकर उसने सर में तेल नहीं डाला कहीं, और वो कहाँ बैठ गई है, पाँव के पास। अपने आप को उसने क्या किया है, छोटा कर दिया है, अपनी गलती को उसने मान लिया कि मैं एक छोटी इंसान हूँ, मैं एक गलत इंसान हूँ। तो यीशु मसीह को पाक जानते हुए उसके कदमों में बैठ गई। कदमों में बैठकर उस इतना रोई है, इतना रोई है, जब पछतावा होता है ना अंदर किसी चीज़ का, तो फिर रोना आता है। तो अक्सर हम देखते हैं कि किसी भी कोई गलत बात निकल जाए, कोई काम ऐसा हो जाए, तो फिर हम क्या करते हैं, पछताते हैं उस चीज़ पर, तो रोते हैं। ये औरत भी रो रही थी, ये और बहुत ज़्यादा रो रही थी, और इतना ज़्यादा रो रही थी कि खुदा यीशु मसीह के पांव जो हैं वो भीग गए, इतना ज़्यादा वो रो रही थी। और अब जो उसने संगे मरमर के अतरदान में अतर लाई, वो बहुत महंगा, बहुत महंगा है, लेकिन उसने क्या किया है, वो टावल भी ले सकती थी, कोई और चीज भी लेके जा सकती थी, लेकिन जो बाल उसकी जीनत है, इज्जत है, खुदा की तरफ से उसको मिले हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, उन बालों को लेके उसने खुदा यीशु मसीह के पांव को साफ किया है, बिल्कुल यीशु मसीह के पांव को साफ किया है। और रोई जा रही थी, रोई जा रही थी, आंसू बहाती जा रही थी, और सर के बालों से उसने खुदा यीशु मसीह के पांव को पहुंचा, और बहुत चुभा, बहुत प्यार दिखाया उसने। उसको पता था कि ये मुझे बचा लेगा, ये मुझे छुड़ा लेगा। हो सकता है उसने चलती फिरती या किसी से सुन लिया हो कि ये निजात दहिंदा है, उसको पता चल गया था कि ये निजात देने वाला है, ये निजात दहिंदा है, ये मुझे बचा सकता है। तो उसने क्या किया कि रोती जा रही थी, रो रो के उसने खुदा यीशु मसीह के पांव चूमे, उन पर अतर डाला। अब जो दावत करने वाला है, उसके दिल में ख्याल है, उसकी दावत करने वाला फरीसी ये देखकर अपने जी में कहने लगा कि अगर ये शख्स नबी होता। अब इसने अपने घर में खुदा यीशु मसीह को बुला लिया है, लेकिन ये नहीं जानता कि ये नबी है या खुदा का बेटा है, बिल्कुल उसकी गहराई तक वो नहीं गया, वो नहीं पहुंचा, ठीक है। हालांकि वो पढ़ा लिखा होगा, फरीसी है, वो शरीयत को भी जानता होगा, तो वो नहीं जानता। और वो क्या कहता है, क्योंकि जो गुनाहगार होते थे फरीसी, उनसे बहुत दूर रहते थे जी, तो खुदा यीशु मसीह जो है वो गुनाह से तो नफरत करता है, लेकिन गुनाहगार से नफरत नहीं करता, बिल्कुल, क्योंकि आया ही इसीलिए था कि गुनाहगार जो है वो बच जाए। हाँ जी। तो ये औरत को भी जब पता चला, उस घर में आई, हमने पहले बात की है, तो अब नबी, वो जो फरीसी है वो क्या कह रहा है, वो उसको नबी भी नहीं जान रहा,
डाउट एक जो है, डाउट है उसके अंदर। हाँ, तो वो नबी भी नहीं उसको जान रहा और कह रहा है कि अगर ये शख्स नबी होता तो जानता कि जो उसे छूती है वो कौन है और कैसी औरत है, क्योंकि बदचलन है। देखो ना, उसके जो दिल में ख्याल है वो भी ऐसा है कि वो बदचलन है, नफरत नफरत हमें नजर आ रही है। और यही डाउट कहीं ना कहीं उसे हाँ, बदजन कर रहा है खुदावन कर, हाँ को लेकर भी। तो ये सुमसी जो है वो तो दिलों और गुर्दों को जानने वाले, बिल्कुल वो तो सब कुछ जानते हैं, क्योंकि वो इंसान को खलक करने वाले हैं, इंसान को बनाने वाले हैं, और खुदा यीशु मसीह जानते हैं। यीशु मसीह ने जब उसकी तरफ देखा होगा या उसको यीशु मसीह को पता चला कि ये अपने दिल में क्या सोच रहा है, अब जो है खुदा यीशु मसीह ने उसको मुखातब किया। क्या किया यीशु ने? जवाब में उससे कहा, ए शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। कहना है तो इधर हम देखते हैं, उसने कहा, ए उस्ताद कह, किसी साहूकार के दो कर्जदार थे, एक 500 दिनार का, दूसरा 50 का। जब उनके पास अदा करने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को बख्श दिया। अब ये दोनों बख्शे गए। अब देखते ना, जिसकी गलती कम हो वो तो कहता है चलो मुझे माफ़ी मिल गई, भागना दौड़ना शुरू करता है, लेकिन जिसकी गलती बड़ी हो वो जो होता है वो उसके दिल में एहसास होता है, वो अपने आप को फिर जिसने माफ़ किया होता है ना उसके सामने बार बार उसको कहता है, बार बार उसका शुक्रिया अदा कर रहा था। और इधर हम भी देखते हैं कि ये औरत जो है ये खुदा यीशु मसीह के पाँव कैसे चूम रही है। जो कुछ फरीसी को करना चाहिए था वो औरत कर रही है, और क्योंकि औरत अपने आप को छोटा समझ रही है और उसको पता था इसने मुझे माफ़ कर देना है और मेरे गुनाह माफ़ हो जाए, और अपने आप को छोटा जानते हुए वो खुदा यीशु मसीह के कदमों में गिरी है। और अब जो है वो फरीसी क्या जवाब देता है, जब उनके पास अदा करने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को बख्श दिया, पास उनमें से कौन उससे ज़्यादा मोहब्बत रखेगा। शमौन ने जवाब में कहा, मेरी दानिश्त में वो जिसे उसने ज़्यादा बख्शा। उसने उससे कहा, तूने ठीक फैसला किया। और उस औरत की तरफ फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस औरत को देखता है? मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पाँव धोने को पानी ना दिया, मगर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगो दिए और अपने बालों से पोंछे। तूने मुझको भोसा ना दिया, मगर इसने जब से मैं आया मेरे पाँव चूमने ना छोड़े। तो आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को देखे ना तो वो शुक्रगुजारी करवाने के लिए अपने घर में बुला लेते हैं और खादमों की इज्जत नहीं करते, खादमों को वो अपने बराबर ही समझते हैं। खादमों की जो इज्जत है कलाम में लिखा है, दो चांद होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो इधर तो खुदा यीशु मसीह की उसने दावत की थी, बिल्कुल। तो खुदा यीशु मसीह की जब उसने दावत की है तो उस चीज तक, उसकी मोहब्बत की गहराई तक वो नहीं पहुंचा, बिल्कुल। सिस्टर आसिया, आपकी बातों को मजीद हम आगे बढ़ाएंगी, लेकिन मेरे ऐसे से वो भी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, तो आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।